नमस्कार मेरे YouTube चैनल में। आज हमारे पास है मारुति सुजुकी का एस क्रॉस जीटा वर्सन, तो चलिए देखते हैं। तो ये है साइड से, ये डीजल का है। तो सबसे पहले बूट को देखते हैं। तो ये देखिए बूट काफी बड़ा है। यहाँ पर 12 वोल्ट सॉकेट दिया गया है। लाइट भी है यहाँ पर, तो चलिए ड्राइविंग में चलते देते हैं। तो यहाँ पर गाड़ी में चाबी डालने की कोई ज़रूरत नहीं है, सिर्फ चाबी को अंदर लेना है और काम हो जाएगा। यहाँ पर एक बटन है, वो बटन को दबाने से गाड़ी स्टार्ट हो जाएगा। यहाँ पर आर्मरेस्ट भी दिया गया है। आर्मरेस्ट एडजस्टेबल भी है, पीछे भी होता है आगे भी होता है। और स्पीकर, म्यूजिक में स्पीकर 6 स्पीकर है। आइए दिखाते हैं पीछे वाला सीट में, दिखाते हैं। देखिए पीछे में बहुत ज़्यादा लेग रूम मिल रहा है, हेड रूम भी बहुत ज़्यादा है। पीछे रियर एसी नहीं दिया गया है, जो आगे का एसी है वो ऑटोमेटिक क्लाइमेट कंट्रोल है। पीछे सीट में बहुत ज़्यादा स्पेस है। और यहाँ पर देखिए आर्मरेस्ट भी दिया गया है। चलिए आपको अब इंजन दिखाते हैं। यह है 1.3 लीटर डीजल इंजन। आपको इंजन को स्टार्ट करके दिखाता हूँ। तो ये है इंजन का साउंड, सुन लीजिए। इसे एग्जॉस्ट का साउंड सुनाता हो। तो ये था हमारा मारुति सुजुकी का एस क्रॉस जीटा वर्सन यूज़र रिव्यू। माइलेज यहाँ पर 16 किलोमीटर पर लीटर दे रहा है अभी तक। सर्विसिंग कितना है, एक सर्विसिंग गया। तो एस क्रॉस चल रहा है अभी, तो मैं दरवाज़ा ओपन कर दूँ तो इस तरह से आ जाता है यहाँ पर।
कौन सा दरवाज़ा ओपन है और लाल रंग का सिंबल आ जाता है। यहाँ पर एक एस क्रॉस लिखा होगा, आप लोग देख सकते हैं। अगर मैं डोर ओपन करूँ तो ये जल रहा है, अभी रात को बहुत अच्छी तरह से दिखाई देता है। ये देखिए डोर के नीचे, हर एक डोर के नीचे है। अगर मैं डोर को क्लोज कर दूँ तो लाइट जल रहा है, अभी देख लीजिए, अभी बंद हो गया है, फिर से जलने लगेगा। तो ये काफ़ी कूल लगता है। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। सब्सक्राइब कर लीजिएगा।